भरपूर और थर्मोकूल गोल्ड परिवार की तरफ से, चूंकि हमारा ये एक परिवार है, यहाँ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये हमारा सब एक परिवार है। सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आप सबका वंदन अभिनंदन। आज हम लोगों को लगभग अपनी लाइफ में काम करते हुए 32 साल हो गए, जैसा कि मैडम ने ज़्यादातर तो सब कुछ बता ही दिया, लेकिन कुछ क्वारी, कुछ सजेशन सबके हैं। मैं कम शब्दों में और अपनी तरफ से सब चीज़ों की कोशिश करूँगा कि वो शॉर्ट में सब कुछ मैं बोल दूँ, और आपके जो भी सुझाव आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे कोई सुझाव देता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि आदमी कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हितैषी वही है जो हमें सुझाव दे रहा है। तो जो भी रवि भाई ने या हमारे शुक्ला जी ने या हमारे सभी भाई ने जो भी सुझाव दिए हैं वो ज्यादातर पूरे हो चुके हैं और हो जाएंगे। मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। हम लोग पहले लोहे के कूलर से शुरुआत की, जो आप सब जानते हैं, तो मैं वो बार बार रिपीट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। अब हमारी, जैसे मैडम ने बताया कि हमारी 150 करोड़ की टर्नओवर है, हमारी 150 करोड़ नहीं, अब हमारे ग्रुप की टर्नओवर 300 करोड़ है। दूसरी बात, हमें इस साल पूरी उम्मीद ही, पूरा विश्वास है कि 2024 में हम आपकी वजह से 500 करोड़ पार कर जाएं। समरपुर जो भी है वो सब आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, और जो आपने कंधे से कंधा मिलाकर जो काम करा, यहाँ कंपनी संजीव गुप्ता या राजीव गुप्ता की नहीं है, ये कंपनी आज से भी 32 साल पहले थे, ये आपकी कंपनी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। इसमें क्या फर्क है कि जो मैं मानता हूं, मैं 2-4 शब्द लिख के लेके आया था, इससे लिखवाए थे, ये तो मैं रख रहा हूं यहां, ठीक है, लेकिन मैं जो भी बात करूंगा केवल और केवल दिल से करूंगा। समर पूल जब शुरुआत हुई थी तो लोग कहते थे लोकल है, ये लोग रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, बाजार में कहते थे पैसा लेके भर जाएंगे। हमने उनसे कहा कि आप हमसे मोटर पंप एक्स्ट्रा ले लो, रिप्लेसमेंट हम देंगे। लोगों को विश्वास बनता चला गया और काम चलता चला। कभी गलत सोचा नहीं, ना सोचा है, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता, और ना ही हमने सोचा है। जब कुछ नहीं था तब नहीं सोचा, आज तो माता रानी की पूरी कृपा है। जब हमने शुरुआत में कई प्रोडक्ट बनाए, एग्जॉस्ट फैन बनाया या और भी कोई चीज बनाई, और ISI वहां मोहर लगाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो लोग हंसते थे कि क्या कास्टिंग में ISI हो सकता है। लोगों ने कंप्लेंट करी और देखा तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एल्यूमिनियम की अगर बॉडी हो तभी ISI होगा। हम अपने ऊपर खड़े उतरे, जब कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम आया तब भी हमने ISI लगाया, तब भी यही हुआ कि लोग एल्यूमिनियम में भी क्या ISI हो सकता है। तब भी समरपुर 100% अपने ऊपर BIS के ऊपर खड़ा उतरा। आज कई बार मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो 15,000, 20,000, 25,000 का कूलर देते हैं, उसमें हो सकता है डीलर आके या कस्टमर आके ये ना पूछता हो कि इसमें मोटर कौन सी लगी हुई है, इसमें एल्यूमिनियम है या कॉपर है, लेकिन आप, हमारा फेस ऑफ है, आप बताते हो, आप उसको कन्वेंस करते हो। दूसरा, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप, अगर सर्विस सेंटर मान लो फोन नहीं उठा रहा या कोई भी दिक्कत है, आप उसको अपने हिसाब से निपटा लेते हो, क्योंकि ये आपकी फैक्ट्री है और आपका ये ब्रांड है। आप उसके मालिक, आपको लगता है
कि ये संदीप भैया का दर्द नहीं है, ये मेरा दर्द है, तो आप अपने हिसाब से उसको पूरा मैनेज कर लेते हो, बाद में मुझसे सुनाते हो, मैं आपकी बात को मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा। हम ग्रो कर रहे हैं, वो सब आपकी वजह से कर रहे हैं। आज हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं। हम लास्ट ईयर आप सब ने कहा कि एलईडी टीवी लाओ, आप कई साल से कह रहे थे, हम उसको लेके आए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, हमने बहुत अच्छी एलईडी टीवी बेची। उसके बाद अब आप सब ने कहा कि वाशिंग मशीन भी लाओ, हम लाए और अच्छा मुझे लगता है, और आप भी बताएंगे उसमें हमारे रेट भी अच्छे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसमें भी ग्रो करेंगे, मुझे आपकी वजह से पूरा ऐसा विश्वास है। उसके अलावा इस बार हम क्वालिटी, क्वांटिटी और सेटिस्फेक्शन, हम क्वालिटी बहुत अच्छे दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी। क्वांटिटी आपके हिसाब से कहने में अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी वजह से हम कूलर में नंबर वन है, यूपी का नंबर वन ब्रांड है। R&D, हमारे 5-6 मॉडल नए आ रहे हैं, अब जो पहले 16 इंची कूलर यूपी में ज्यादा बिकता था, अब आगे आगे बड़े कूलर की डिमांड है, तो हम बड़े कूलर भी ला रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ला रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी। तीसरा, इस बार हमने लक्ष्य दिया है, लक्ष्य 2024, तो हमें हम सबको अपने दिमाग में टारगेट बनाना है कि हमने इस साल जो सेल करी है कम से कम उसमें 15-20% की हम 2024 में, जैसे मोदी जी ने लक्ष्य 2024 बनाया है, तो आप सबने देखिए भैया हमारे लिए भी शिवा ने, शक्ति ने, सभी ने कि आप भी लक्ष्य 2024 रखो, हमारी कुछ समस्याएं भी हैं, उन्हें भी आप समझो। मैंने क्या क्या समस्या बाकी तो बताई थी कि एक तो हमारा जैसे पहले 125 करोड़ हिंदुस्तानी थे, आज मोदी जी ने भी 15 अगस्त में कही ये बात के मेरे परिवार जनों, मैंने सुना था हम तो पहले से ही समरपुर गोल्डन परिवार कहते, तो अब हो गए 140 करोड़, अब यूपी में है 25 करोड़, पहले थे, अब मेरे अंदाज से जनसंख्या बढ़ के होगी कम से कम 30 करोड़, तो इतने 30 करोड़ वाले देश मेरे अंदाज से 2-3-4 देश ही होंगे जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से ऊपर हो, तो आप ये मान लो कि हम कई देशों में समरपूर्ण नंबर वन है। मैं दिल से ये चाहता हूं, जैसे माता सीता की शादी हो रही थी तो उनके पिता जनक जी ने खाने की कोई भी चीज ऐसी नहीं बनवाई कि जिसको तोड़ा जाए, जरा रोटी होती है वो तोड़ी जाती है, रोटी नहीं थी, चावल और दाल थे या लड्डू थे जिसको बांधा जाता है। मैं यूपी में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर परिवार में किसी को जोड़ू या ना जोड़ू, लेकिन मेरे मन में ये रहता है कि मैं किसी को छोड़ू भी ना, मैं अपनी तरफ से कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को छोड़ू, अगर कोई गलती से चला गया और फिर वो 7-6 महीने बाद वापस तो 99% आना ही है, क्योंकि हमारे दिल में कहीं फर्क नहीं है, तो हम उसको फिर गले लगाते हैं, वो अपने परिवार का है, मेरा बेटा कहीं 2 दिन के लिए चला जाए और वापस आ जाए तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी। उसके अलावा आपकी एक शिकायत रहती है जो मैंने भी देखा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि स्पेस कम है, मान लो फैजाबाद में है तो शक्ति जी कहते हैं 3 डीलर, 3 डीलर भैया आप मुझे अकेले में समरपुर का कर दो और सेल की मुझे बता दो कितनी चाहिए और पेमेंट जितनी चाहिए उतनी मैं एडवांस दूंगा और जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा, जहां जहां जो जो ये समस्या है मैं पूरी तरह उसको कोशिश करूंगा कि ये समस्या इस नवरात्रि से पहले उसको आपस में समझ के उसको निपटाया जाए। हमें केवल अपने परिवार में कोई जरूरी नहीं है, हम कौरव थे कितने 100 और पांडव 5, तो ऐसा भी नहीं है कि हम
क्वालिटी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, तभी सेल ज्यादा होगी। मैं इस पर पूरी तरीके से विचार कर रहा हूँ, और अगर कहीं कोई समस्या है और इस तरीके की दिक्कत आती है तो उसको कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से अटैच कराना है वो आपस में बैठ के अभी सबके सामने इकट्ठा वो बोलना गलत हो जाएगा कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है उसको देखा जाए। और एक ये है कि सबको टारगेट अपना लेके चलना है मंथ वाइज कि हर महीने हम अपनी सेल बढ़ाए। तीसरा, एक हम कूलर को बहुत अच्छे देखते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे और भी बहुत अप्लायंसेस हैं, अगर आप सब वो बेचते हो तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बताओगे कि भाई साहब मैं ये आइटम नहीं बेचूंगा अप्लायंसेस, तो हो सकता है उसके हमें डिस्ट्रीब्यूटर अलग बनाने पड़े। जो अपने दिन की बात है भाई, अगर आप देखोगे कि भाई फार्म में कि मैं इतनी इतनी क्वांटिटी बेचूंगा तब तो ठीक, नहीं तो जो अप्लायंसेस बेचते हैं कई बार क्या होता है मोनोब्लॉक पंप है, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं बेचते थे, उसके लिए सैनिटरी वाले बनाना पड़ता था। अब मान लो कोई आदिवासी मशीन बेचता ही नहीं है या एलईडी भी नहीं बेचता तो वो हमें दूसरे को देनी पड़ सकती है। बाकी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप बहुत सम्मान करते हैं और अपना समझ के काम करते हैं, और अगर मेरी तरफ से कहीं भी जाने जाने में हमेशा भूल होती है तो आप मुझे हमेशा क्षमा करते हैं। तीसरा, मैंने देखा कि मैं एक बार हाई स्कूल में दो आइटम में दो दो नंबर से फेल हो गया, अगली बार मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और मैं फर्स्ट आ गया। ऐसे ही मैंने देखा मैंने कई आइटम बनाए वो फेल हो गए, लेकिन अगली साल उसको मेहनत करके चले और उसमें हम बहुत बढ़िया पास हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जो बच्चे 95 से 99% तक आते हैं वो ज्यादातर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों की जनसंख्या उन्हीं की भी रहेगी संख्या, और जो एक आध बार फेल होते हैं या जिनके दोस्त होते हैं जो स्कूल के बाहर भी थोड़ा सा पी लेते हैं वो कभी आत्महत्या नहीं करते। मैं बहुत ज्यादा अपने बातों को ढाल लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे हर तरीके से मैं आपका था हूं और हमेशा तत्पर हूं, और जय हिंद जय भारत।